शोहरत और मकबूलियत की लामहदूद हदों को छूने वाली बुलबुले हिंद लता मंगेशकर ने गुलुकारी के बलबूते पर कितनी कामयाब रही ये बात हर कोई जानता है। 6 दिहाइयों पर मोहित करियर में उनकी आवाज कभी जवाल का शिकार ना हुई। बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो सुनहरी उरूज मिला वो लता मंगेशकर की लाफानी आवाज की बदौलत था। सुपरहिट फिल्मों को 4 चांद लता की महसूर कुन आवाज लगाती थी। लता मंगेशकर गुज़श्ता दिनों इस दुनिया से चली गईं, मगर अपने पीछे यादों और गीतों का ऐसा खजाना दे गईं जो फानी दुनिया के वजूद तक उनकी याद दिलाता रहेगा। लता मंगेशकर ने जहां अपनी जिंदगी में इस कदर शोहरत की बुलंदियां और सुख देखा, वहीं आगाज में उन्हें कांटों पर से भी गुजरना पड़ा। उनकी अपनी बहन आशा भोसले से भी ताल्लुकात खराब हो गए थे और दोनों ने कई साल एक दूसरे से बात नहीं की। आखिर लता मंगेशकर की जिंदगी में फैमिली की तरफ से क्या दुख थे, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। जहाँ एक तरफ लता ने करियर में ऊंची परवाज भरी, वहीं निजी जिंदगी में उन्हें बहुत सी मुश्किलात से भी गुजरना पड़ा। लता जब 13 साल की थी तभी उनके वालिद की अचानक मौत हो गई थी। वालिद की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी लता के नाजुक कंधों पर आ गई, क्योंकि वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। लिहाजा घर चलाने के लिए छोटी सी उम्र में लता ने गाना शुरू कर दिया। चूँकि उस वक्त गुलुकारी से ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे तो उन्होंने गुलुकारी के साथ साथ अदाकारी भी शुरू कर दी। वो छोटे मोटे किरदारों में जलवागर होती जिससे उन्हें इतने पैसे मिल जाते जिससे वो घर का चूल्हा जलाती। उस वक्त उनके बहन भाई छोटे थे इसीलिए लता ने उन्हें घर की चारदीवारी तक महदूद रखा और खुद झुलसा देने वाली धूप और हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में काम करती रही ताकि उनके बहन भाइयों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। वो पेट भर कर रोटी खाते रहे, उनका बदन अच्छे कपड़ों से ढका रहा। चूँकि लता के वालिद गुलुकार थे तो उन्होंने सारे बच्चों को गुलुकारी सिखाई हुई थी, जिसकी वजह से लता को उम्मीद थी कि जैसे ही उनके बहन भाई बड़े होंगे वो भी गुलुकारी करेंगे जिससे घर का निजाम चल जाएगा। लता से छोटी आशा भोसले थी जो बिलाशुबा उनकी तरह सुरीली आवाज रखती थी। लता को उनसे उम्मीद थी कि वो बड़ी होकर उनका बोझ ज्यादा कर लेगी और यूं घर बेहतरीन अंदाज में चलता रहेगा, मगर उन्हें क्या मालूम था कि किस्मत ने उन्हें मजीद मुश्किलात से दोचार करना है। लता मंगेशकर जब इंडस्ट्री में बाकायदगी से गुलुकारी करने लगी तो उन्होंने एक सेक्रेटरी रखा जिसका नाम गणपत राव भोसले था। उसकी उम्र 31 साल थी। सेक्रेटरी होने की वजह से उसका घर में आना जाना लगा रहता था। उस वक्त आशा भोसले जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उनकी उम्र बमुश्किल 16 को पहुंची कि वो गणपत राव भोसले की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गईं। हालांकि दोनों की उम्र में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन इश्क ये सब कुछ कहां देखता है। जब इस बात का इलम लता मंगेशकर को हुआ तो उन्होंने अपनी छोटी बहन को समझाया, लेकिन वो टस से मस ना हुई, जिस पर उन्होंने अपने तमाम ताल्लुकात खत्म कर लिए। आशा भोसले ने अपने से दुगनी उम्र के आदमी से शादी कर ली और घर छोड़कर चली गई। आशा से लता इतनी नाराज हुई कि दोनों के दिलों में ऐसी टूट पड़ी कि सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। गणपत राव भोसले के बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई लालची इंसान था जिसको सिर्फ आशा भोसले के पैसों से मतलब था। शादी के बाद आशा भोसले भी इंडस्ट्री में काफी मकबूल हो चुकी थीं, मगर लता की वजह से उनका काम ठंडा था। गणपत राव ने आशा भोसले को अपनी बहन से मिलने पर पाबंदी आयद कर दी। उस वक्त आशा भोसले 2 बच्चों की माँ बन गई थी। एक वक्त ऐसा आया जब आशा भोसले ने गुलुकारी छोड़कर घरेलू जिम्मेदारियाँ पूरी करने का फैसला किया, लेकिन लालची शोहर की वजह से वो ऐसा ना कर सकी। घर में मियां बीवी के मसाइल इस हद तक बढ़ने लगे कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। गणपत राव आशा भोसले पर बाकायदा तशद्दुद करता और जहनी अजियत देता। जब मामला हद से बढ़ गया तो 1960 में गणपत राव ने आशा को 2 बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। शोहर की तरफ से बेदखल किए जाने पर आशा भोसले को कोई और मंजिल दिखाई ना दी। चुनाचे जब आशा अपनी शादी की नाकामी के बाद वापस घर लौटी तो लता ने कभी उनको दिल से कबूल नहीं किया। अपनी जिंदगी से मायूस आशा ने जब दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत की तब भी लता का कोई खास तावुन उन्हें नहीं मिला। एक दौर था जब लता का म्यूजिक इंडस्ट्री पर तन तनहा राज था। कहा जाता है कि लता की वजह से आशा के हाथ से बहुत सारे मौके छिन गए थे, लेकिन आशा भोसले ने अपनी अलग शनाख्त बनाई। उन्होंने फिल्म रंगीला के सुपरहिट गीत गाए जिसके बाद उनका सितारा ऐसा चमका कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौरान उनकी मुलाकात RD बर्मन से हुई जो शादी में बदल गई। कई सालों तक एक दूसरे से
बातचीत रखने के बाद बिलाखिर दोनों बहनों के दरमियान बर्फ पिघलने लगी और दोबारा से बहनों के रिश्ते जुड़ गए। कई सालों तक एक दूसरे का मुंह ना देखने वाली दोनों बहनें एक साथ स्टेज पर नजर आती थीं और फिर उनका एक साथ दिखाई देना मामूल बन गया। लता मंगेशकर जहां भी जाती तो आशा भोसले उनके साथ होती और उन्हें सहारा देती। जिंदगी के आखिरी अय्याम में जब लता मंगेशकर बीमारी के बायस अस्पताल में दाखिल हुई तो आशा भोसले उनके साथ साए की तरह मौजूद रहीं। उन्होंने लता का इस तरह से ख्याल रखा जिस तरह बचपन में लता मंगेशकर ने अपने बहन भाइयों का रखा था। लता मंगेशकर के हवाले से सबसे दिलचस्प अमर ये था कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। इस हवाले से कई तरह की बातें उनके साथ मंसूब की गईं, मगर उन्होंने इस बात का जवाब मुख्तलिफ मवाकों पर कुछ यूं दिया था कि वालिद की वफात के बाद मैं अपने बहन भाइयों के लिए जीने में इस कदर मसरूफ हो गई कि मुझे शादी करने का मौका नहीं मिला। मुझे इस दौरान शादी के कई मौके मिले, मगर मैंने अपने बहन भाइयों के लिए उन मौकों को गंवा दिया क्योंकि मैं अपनी बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकती। उनके इस बयान को बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सीनियर नामों ने उनकी वफात के बाद बतौर ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनकी खिदमात को सराहा कि किस तरह उन्होंने बहन भाइयों की खातिर शादी जैसे अजीम बंधन को ठुकरा दिया जिसके लिए लड़कियां ख्वाब देखती हैं, अपने दिल में अरमान जगाती हैं। लेकिन लता इस कदर बेमिसाल गुलुकारा थीं कि उन्होंने सारी जिंदगी रोमानवी गीत गाए लेकिन खुद वो कभी किसी की शरीक हयात न बन पाई। उन्होंने ये कुर्बानी अपने बहन भाइयों के लिए दी और इस कुर्बानी का ये फायदा हुआ कि आज उनके बहन भाई उनके बनाए हुए आलीशान घर में सुकून और इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास करोड़ों के असासे हैं, इस्तेमाल के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, इसके अलावा गानों की रॉयल्टी से मिलने वाला पैसा है, ऐसे ही उन्हें मिलता रहेगा। लता मंगेशकर ने अपने बहन भाइयों के लिए जो कुछ कर दिया वो बिलाशुबा बहन भाइयों की लाजवाल मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है।